Hi students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. How are you? Hope so you are fine. Today we will discuss about present continuous tense. इसे first video में हम present indefinite tense हमारा कर चुके हैं. आज हम करेंगे present continuous tense. Present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो फोर टाइप्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हम करेंगे. क्या पहचान होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसकी पहचान. प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने क्या बताई थी ता है ते है ती है. इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है रहा है रहे रहे हैं रही है मतलब जा रहा है जा रहे हैं जा रही है या खा रहे हैं पी रहे हैं जिसमें रहा रही है पीछे. स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कौन सा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर. इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है साथ में इसके साथ आईएनजी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब हमारे इजेमार. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज थी वो आपकी ओनली फर्स्ट फॉर्म थी ठीक है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कब होता है ठीक है. मतलब जो काम बिल्कुल हम करंट में कर रहे होते हैं जो काम हम क्या है करंट में इस टाइम जो काम कंटिन्यूस हम कर रहे हैं अभी चल ही रहा है जो प्रेजेंट में चल रहा है जी ठीक है. उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. यूजेज मैं आगे इसके कराऊंगी पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं. जैसे वह खाना खा रही है ठीक है वह खाना खा रही है सी इज ईटिंग वह खा रही है सी इज ईटिंग ठीक है. आगे जैसे है वह गा रही है सी सिंगिंग मैं गा रही हूं आई एम सिंगिंग मैं गा रही हूं आई एम डांसिंग आई एम डांसिंग. यू आर गोइंग You are going to Delhi. You are going to Delhi. तो ये क्या है किसके एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ठीक है. सी इज कुकिंग फूड सी इज कुकिंग फूड सी इज कुकिंग फूड. अब देखो जैसे इसमें हमारे अब इसमें ये है कि इज एम आर इज किसके साथ एम किसके साथ और आर किसके साथ ठीक है. वही बात है जो हमारा आई है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं आई के साथ हम एम यूज करेंगे ठीक है. सी के साथ हम इज यूज करेंगे और यू जो प्लूरल है यू आर या दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम आर यूज करेंगे ठीक है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का हम यूज करेंगे. पहचान रहा है रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस ये था अफर्मेटिव का. नेगेटिव का देखते हैं नेगेटिव में नोट यूज हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब्स में इज एम आर ही रहेगी. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ठीक है प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्लियर है देखो इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इन तीनों में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट नॉट यूज हो जाएगा इसमें ठीक है. जैसे
बबीता सत्य नहीं बोल रही, ठीक है, बबीता कभी भी बबीता सच नहीं बोल रही है, बबीता इज नॉट स्पीकिंग, बबीता इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे आर नॉट वॉशिंग देयर क्लोथ, दे आर नॉट वॉशिंग देयर क्लोथ्स, देयर नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं साफ कर रहे क्लोथेस, ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंस, रहा है रही है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी किससे, सब्जेक्ट से, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बच्चे भाग रहे हैं, क्या लड़के, मैंने हिंदी भी लिखी है इसमें, क्या लड़के भाग या क्या लड़के दौड़ रहे हैं आर बॉयज रनिंग, दौड़ रहे हैं आ जाएगा ऊपर, ठीक है, आर बॉयज रनिंग, कोई स्पेशल लड़के हैं तो आर द बॉयज रनिंग, ठीक है, आर द बॉयज रनिंग, क्या दीपा रो रही है, इज दीपा वीपिंग, इज दीपा वीपिंग, ठीक है, ये प्लूरल में है, आर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर प्लूरल आ जाएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, ओके, अंडरस्टैंड। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव में जो होती है, फिर हम इसके आगे जो क्वेश्चन पुट किया गया WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड है वो यूज कर देंगे, जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, उसका एग्जांपल हो जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब आर भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है व्हाट, ठीक है, ये डबल क्वेश्चन में हो जाता है। ये था हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसका क्या करेंगे, यूजेस देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम यूज कहां कहां करेंगे, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो फर्स्ट तो वही है कि जो एक्शन जब हम बोल रहे हैं तब हो रहा है, फॉर एक्शन, फॉर एक्शंस गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब जब हम लिख रहे हैं बोल रहे हैं तब वो काम जब चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियां खेल रही हैं खेल के मैदान में, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ, अब ये पहचान ये है, ठीक है, नाउ, तो जब हम ब्रैकेट में प्ले हेल्पिंग वर्ब, हमें ब्रैकेट में वर्ब दी जाती है कि प्ले में से आपको फील करना है और नाउ कि इस टाइम हो रहा वो करे, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर देंगे। गर्ल्स है ज्यादा है तो आर प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज है इसका तो आज हम इसके यही एग्जांपल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके। जैसे इसकी एक्सरसाइज है जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है इसका सी इज टेलिंग ए स्टोरी नाउ, सी इज टेलिंग ए स्टोरी। अब देखो ऐसे आएगा इसका एग्जांपल, मान लो ये है ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है स्पीक, वेरी फास्ट, आप बहुत तेज बोल रहे हो, तो क्या जाएगा यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ठीक है। ओके, ये था आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहचान क्या होती है, रहा है, रहे हैं, रही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे सी इज इटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, यू आर गोइंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, जैसे यू के साथ आर, वी के साथ भी क्या यूज होगा, वी के साथ भी आर यूज होगा, दे के साथ भी आर यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाएगा, नोट, सब्जेक्ट प्लस सीजीएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, कविता इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, दे आर नॉट वॉशिंग देयर क्लोथ्स, इसमें नोट यूज हो जाएगा। नोट कहां पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में। इंटरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, क्या लड़के दौड़ रहे हैं, क्या लड़के भाग रहे हैं, आर द बॉय, आर द बॉयज रनिंग, ज्यादा है लड़के, प्लूरल है तो आर यूज किया, अगर लड़का होता तो इज जाता, इज बॉय द रनिंग, ठीक है, इज द बॉय रनिंग, सॉरी, इज दीपा वीपिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जो अब हम काम कर रहे हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।